गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम लखन महतो उत्कर्मित उच्च विद्यालय सिवाटी। मैं आप लोगों को आज एडवर्ब पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या चीज़? एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहते हैं? जो वर्ब की विशेषता बताता है। किसको कहते हैं? जो वर्ब की विशेषता बताता है। देखिए यहाँ, जो शब्द किसी वर्ब एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाता है उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब किसको कहते हैं? जो शब्द किसी वर्ब एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता हो उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब किसको कहते हैं? फिर से एक बार, जो शब्द किसी वर्ब एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बदलाता हो उसे एडवर्ब कहते हैं। द वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड द एडवर्ब। क्या चीज? फिर सुनिए, द वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड द एडवर्ब। जैसे ही राइट्स वेल, ही राइट्स वेल मतलब वह अच्छा लिखता है। ही राइट्स वेल मतलब अच्छा लिखता है। यहाँ पर वेल, वेल क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब। हरी इज वेरी पुअर। हरी क्या है? बहुत गरीब है। हरी बहुत गरीब है। यहाँ भेरी, भेरी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। भेरी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। दे सिंग क्वाइट वेल, दे सिंग क्वाइट वेल मतलब वे बिल्कुल अच्छे गाते हैं। वे बिल्कुल अच्छे गाते हैं। यहाँ पर क्वाइट वेल, ठीक है, वेल, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ द एडवर्ब, काइंड्स ऑफ द एडवर्ब। एडवर्ब के निम्नलिखित 9 भेद हैं। कितने भेद हैं एडवर्ब के? 9 भेद। एडवर्ब कितने भेद हैं? 9 भेद। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। पहला क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का हिंदी क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस एडवर्ब से कार्य संपादित होने के साथ, जिस एडवर्ब से कार्य संपादित होने के समय का बोध हो, कार्य संपादित होने के समय का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर एक बार, एडवर्ब ऑफ टाइम कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस एडवर्ब से कार्य संपादित होने के समय का बोध हो, कार्य संपादित होने के समय का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। द एडवर्ब विच शॉज व्हेन सम एक्शन इज डन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या चीज? द एडवर्ब विच शॉज व्हेन सम एक्शन इज डन, ठीक है, व्हेन सम एक्शन इज डन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ टाइम, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे हरी कम लेट, हरी कैम लेट, हरी देर से आया, हरी कैम लेट, हरी देर से आया। सी विल गो सून, सी विल गो सून वह शीघ्र जाएगी, वह शीघ्र जाएगी। यहाँ देखिए, सून मतलब शीघ्र हुआ और लेट मीन्स देर हुआ, यही है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण, मतलब बार बार होना, मतलब जो क्रिया बार बार होता है उसको क्रिया विशेषण क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वह क्रिया विशेषण क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण हिंदी में क्या बोलते हैं, बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण। जिस एडवर्ब से कार्य संपादित होने की बारंबारता का बोध हो, जिस एडवर्ब से कार्य संपादित होने की बारंबारता का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द एडवर्ब विच शोज हाउ ऑफन सम एक्शन इज डन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द एडवर्ब विच शोज हाउ ऑफन सम एक्शन इज डन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे है ही इज ऑलवेज लेट, ही इज ऑलवेज लेट मतलब हमेशा बार बार वह लेट करता है, देर करता है, वह बार बार देर करता है मतलब वह हमेशा देर करता है, वह हमेशा कभी आगे नहीं आता है, वह बार बार देर करता है, ऑलवेज लेट। शी इज नेवर लेट, वह कभी नहीं लेट होती है, कभी देर नहीं करती है, वह कभी देर नहीं करती है, वह कभी देर नहीं करती मतलब बार बार टाइम पर पहुंचती है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, क्या चीज का, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार आना, समझ में आया। आगे है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस एडवर्ब से कार्य संपादित होने की रीति का ढंग, रीति या ढंग का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। क्या चीज, जिस एडवर्ब से कार्य संपादित होने की रीति का ढंग, रीति या ढंग का बोध हो तो उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिए, एडवर्ब ऑफ मैनर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस एडवर्ब से कार्य संपादित होने की रीति का, रीति या ढंग का बोध हो तो उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। द एडवर्ब विच शोज हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे यू राइट स्लोली, स्लोली यहाँ क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, आप धीरे धीरे लिखते हैं, तुम धीरे धीरे लिखते हो। ठीक है, ही राइट्स क्लियरली वह साफ साफ लिखता है, वह साफ साफ लिखता है। चौथा है अवस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। चौथा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस एडवर्ब से कार्य संपादित होने के स्थान का बोध हो, जिस क्रिया विशेषण से यानी जिस एडवर्ब से कार्य संपादित होने के स्थान का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस एडवर्ब से कार्य संपादित होने के स्थान का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। The adverb which shows where some action is done is called the adverb of place. जैसे सीता कैम हेयर, सीता यहाँ आई। मैं यहाँ हेयर जो है, हेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हेयर क्या है,
एडवर्ब ऑफ प्लेस, मोहन वेंट देयर, मोहन वहां गया, देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री इसको बोलते हैं परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, जिस एडवर्ब से कार्य संपादन होने के परिमाण का बोध हो, जिस एडवर्ब से कार्य संपादन होने के परिमाण का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। द एडवर्ब विच सॉज हाउ मच, द एडवर्ब विच सॉज हाउ मच और इन व्हाट इवेंट इज डन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ डिग्री। फिर से एक बार, द एडवर्ब विच सॉज हाउ मच और इन व्हाट इवेंट इज डन इज कॉल्ड द वर्ब ऑफ डिग्री। जैसे तरुण इज वेरी टॉल, तरुण इज वेरी टॉल में वेरी देख रहे ना, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तरुण बहुत लंबा है इसका हिंदी हुआ, और वेरी जो है कहा हुआ एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। आशी इज क्वाइट हैप्पी, क्वाइट यहाँ देख रहे हैं ना, ये क्वाइट जो है यह भी जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आगे है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, छठा नंबर इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, जिस एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिस एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे, तो उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। द एडवर्ब विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव एडवर्ब, द एडवर्ब विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग में यहाँ देखिए वेयर, ये है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, वेयर, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वाई आर, वाई इज सी सेड, वह उदास क्यों है, वह उदास क्यों है, यहाँ वाई, ये क्या है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, क्या है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सातवां है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया विशेषण, स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया विशेषण, जिस एडवर्ब से स्वीकृति या अस्वीकृति के का भाव का झलके, जिस एडवर्ब से स्वीकृति या अस्वीकृति का भाव झलके उसे क्रमशः एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द एडवर्ब विच इंडिकेट्स एन असर्शन और डेनियल इज कॉल्ड रेस्पेक्टिवली द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। जैसे आर यू विल, यस आई एम, क्या आप ठीक हैं, हाँ मैं हूँ, ठीक है। यहाँ ये है अफर्मेशन एंड निगेशन, इज ही वेल, नो ही इज नॉट, क्या वह ठीक है, नहीं वह ठीक नहीं है, कहने का मतलब यही है। आठवां नंबर एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन इसको बोलते हैं कारण बोधक क्रिया विशेषण, क्या बोलते हैं कारण बोधक क्रिया विशेषण, जिस एडवर्ब से कार्य संपादित होने के कारण का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ रीजन कारण बोधक क्रिया विशेषण, जिस एडवर्ब से कार्य संपादित होने के कारण का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है।
द एडवर्ब विच टेल्स अस रीजन ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ रीजन. फिर से द एडवर्ब विच टेल्स द रीजन ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ रीजन. जैसे है मोहन वाज लेबोरियस हेंस ही पास्ट. यहाँ हेंस आया, मोहन मेहनती था इसलिए वह पास हुआ, सफल हुआ. हेंस, हेंस यहाँ जो है एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन है. दूसरा है दस सी बिकेम एंग्री. दस यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है. दस सी बिकम एंग्री, इस प्रकार वह क्रोधित हो गई. ठीक है, यहाँ दस आया, यह जो है क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन. नवा है रिलेटिव एडवर्ब. नवा क्या है, रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण. जिस एडवर्ब से किसी पूर्व प्रयुक्त शब्द से संबंध की अभिव्यक्ति हो उसे संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है. जिस एडवर्ब से किसी पूर्व प्रयुक्त शब्द से संबंध की अभिव्यक्ति हो उसे संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है. द एडवर्ब विच मॉडिफाइज द वर्ब फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन द सेंटेंस टुगेदर इज कॉल्ड द रिलेटिव एडवर्ब, इज कॉल्ड द रिलेटिव एडवर्ब. जैसे है दिस इज द टाइम व्हेन आई वांटेड टू गो. यही समय है जब मैं जाना चाहता था. यहाँ व्हेन आया, यह जो है क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है. दिस इज द हाउस व्हेयर ही लिव्ड. यही घर है जहाँ वह रहता था. वेयर यहाँ आया, वेयर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है. ठीक है, इस तरह से यह चैप्टर एडवर्ब समाप्त हुआ. फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा. थैंक यू.